नमस्कार दोस्तों, HDFC बैंक के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको यहाँ पे 0.22% के क्लियर गिरावट नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे आपको छोटी सी डोजी कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा, तो क्या यहाँ पे स्टॉक में और भी तेजी आने का संभावना रहेगा या फिर स्टॉक यहाँ से आपको गिरावट भी दिखा सकता है क्या? तो अगर ऊपर जाएगा तो क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन के इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों HDFC बैंक को डिटेल में समझेंगे, उससे पहले हम चार्ट को लगा लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। जब हम चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, थोड़ा सा हम पीछे का भी चार्ट को समझ लेते हैं क्या कंडीशन है। पूरा ओवरऑल अगर आप समझेंगे, स्टॉक लिस्टिंग हुआ 1999 को, उसके बाद में स्टॉक में क्लियर वन डायरेक्शनल मूवमेंट बना है। तो स्टॉक अगर चाल को देखेंगे, स्टॉक किस तरीके से चल रहा है, स्टॉक इस तरीके से वन डायरेक्शनल मूवमेंट को बना के चल रहा है। तो यहाँ पे गिरावट आई थी, कोरोना के माहौल था आपको पता है, उसके बाद में फिर से रिकवर कर गया बहुत तेजी से, और सारे स्टॉक में भी यही कंडीशन आपको देखने को मिला है मैक्सिमम स्टॉक में, राइट। तो लेकिन अगर नोटिस करेंगे दोस्तों, 2021 का जो लेवल था यहाँ पर, तो जैसे कि एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं 1650 का। अब अगर देखेंगे दोस्तों 2021 से लेकर अब तक, यानी कि 2021 से 2022, 2023, 2024, 3 साल हो गया, ठीक है। तो 22, 23, 24, हाँ 3 साल हो गया। तो 3 साल हो गया स्टॉक अपना इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, यानी कि जो 1650 का लेवल था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, राइट। तो 3 सालों से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा, तो जैसे ब्रेकआउट होगा तो तेजी तो आएगा डेफिनेटली। लेकिन अभी की अगर कंडीशन को हम समझेंगे ध्यान से, देखिए इसका ब्रेकआउट भी आप कहेंगे कि तो यहाँ पे तो हो चुका था, ब्रेकआउट तो हो चुका है, लेकिन ऊपर कितना गया, 1750 तक गया, 1650 को ब्रेकआउट करके 1750 तक गया है। उसके बाद जो है एक, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है, राइट, वन डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं, इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट, है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेकआउट हुआ, दोबारा जाके सस्टेन करके दोबारा नीचे आ गया, तो ये कौन सा मूवमेंट बना है, कहाँ पे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाए, नहीं बना पाए ना। बाकी यहाँ पे हालांकि जिन लोगों ने बाय कर रखा है नीचे से, उन्होंने तो प्रॉफिट बनाया। तो अभी क्या कंडीशन बन रहा है वो समझेंगे। देखिए एक बात अगर आप नोटिस करेंगे इसी टाइम फ्रेम के दौरान, तो एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे आपके सामने आ रहा है जो कि 1270 के आसपास, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता है, अगर आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को अगर ऐड करेंगे, तो जैसे स्टॉक अपने इस लेवल को आ रहा है तो स्टॉकों को ने बाय कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे नीचे आ रहा है तो फिर से बाइंग होगी। हालांकि आप कहेंगे यहाँ से बाइंग होगा कि नहीं होगा, दोस्तों देखिए मैं आपको फिर से क्लियरली समझाता हूँ। पिछली बार अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको एक चीज़ और भी कमन समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे भी स्टॉक पिछले ऊपर बढ़ा था, तो पॉसिबिलिटी तो है यहाँ से ऊपर बढ़ने की। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन करते हैं, तो फिर यहाँ से सपोर्ट बनेगा, ऊपर जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये मैं किस बिहेव पर बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले अगर हम कई सालों की ट्रेंड को अगर देखेंगे, तो स्टॉक में यही कंडीशन बना हुआ है। और अगेन ये जो लेवल है 1270 का, ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है हमारा जो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि 2008 का लेवल था, ठीक है ना। तो ये इसको अभी ब्रेकआउट, सॉरी वो लेवल को अगर आता है, तो ये एक सपोर्ट लेवल बनेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, इवन अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है, मैं बात कर रहा हूँ इनकेस, क्योंकि यहाँ पे पिछले बार भी हुआ था ना, तो इस तरीके से भी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। बाकी HDFC बैंक आपको पता है, सबको पता है अच्छे स्टॉक है, कुछ खराब स्टॉक नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टारगेट के, देखिए दोस्तों टारगेट तो हमारे सामने ये दोनों है, अभी भी है, और अगेन एक रेजिस्टेंस लाइन आपके सामने आ रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है 1462 में, सॉरी ये हट गया, क्लियर है। तो 1462 मेरे कहने का मतलब है, अगर ये 1462 को ब्रेकआउट करे, अभी का जो लेवल है 1461 का लाइन है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, प्राइस देख सकते हो, ठीक है। तो अगर इसको ब्रेकआउट करे, इसका ऊपर क्लोजिंग करते, तो समझिएगा 1600 लेवल का टारगेट इजीली हिट करेगा। 1600 लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो 1750, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और क्लियरली देखते हैं क्या कंडीशन बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में एक्जैक्टली वही कंडीशन है, सपोर्ट लेवल लाइन के पास में जैसे स्टॉक आता है, तो यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट बनाता है। तो जैसे अपने इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, टारगेट इजीली हिट करेगा, ध्यान रखना, राइट। दोस्तों सारे कंडीशन को क्लियरली मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। स्टॉक में दोस्तों बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।